हाय, मैं हूं मोहित मंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है ऑन डोर कंसेप्ट्स लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, 30 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है, आप देख सकते हैं। ऑन डोर कंसेप्ट्स लिमिटेड ये आईपीओ, इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें या ना करें, इस वीडियो को एंड तक देखें एंड देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया इस आईपीओ को स्किप करें या इसमें इन्वेस्ट करें। ऑनडोर कंसेप्ट लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में एंड दैट्स वाज इनकॉर्पोरेटेड एज एन ई कॉमर्स कंपनी। कंपनी ने अपना फर्स्ट स्टोर खोला था इन भोपाल मध्य प्रदेश इन 2015। और ये स्टोर क्या था, अगेन द एसेंशियल आइटम्स लाइक ग्रॉसरी, होम एसेंशियल स्टफ एक्सेट्रा। इस कंपनी ने अभी तक 55 स्टोर खोले हैं इन अ स्पैन ऑफ 8 ईयर्स। इसमें से 17 स्टोर तो कंपनी के खुद के ओन्ड है एंड 38 स्टोर्स आर ऑपरेटेड अंडर द फ्रेंचाइजी मॉडल। ये जो स्टोर्स है किस में डील करते हैं, दे डील इन फूड कैटेगरीज विच इंक्लूड्स ग्रॉसरीज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरीज। दे ऑल्सो डील इन FMCG प्रोडक्ट्स विच ऑल्सो इंक्लूड्स हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, टॉयलेटरीज एंड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो दे डील इन जनरल मर्चेंडाइज विच इंक्लूड्स क्रॉकरी, प्लास्टिक आइटम्स, डेली नेसेसिटीज। ये सब इन स्टोर पे अवेलेबल है। जबकि शुरुआत इस कंपनी ने एज अ ई कॉमर्स किया था, बट नाउ दे आर इन टू स्टोर्स एंड दे आर मैनेजिंग इट इन अ वेरी बिग वे। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ है दैट दे स्टार्टेड एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इनका आज भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अच्छा होल्ड है, विच ऑन द iOS एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन एंड्रॉयड इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नॉट टू फॉरगेट, लोग कॉल करते हैं इनके स्टोर्स पे एंड द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर एट देयर होम, विच अगेन इज अ गुड थिंग। इसके साथ साथ ऑन डोर फॉलोज द पॉलिसी ऑफ एवरीडे लो प्राइस, ये इनका स्लोगन है, टू गिव अ कन्वीनियंट शॉपिंग एक्सपीरियंस टू इट्स टारगेट कस्टमर बेस। इसके साथ साथ दे प्रोवाइड अ रीजनेबल प्राइसिंग अक्रॉस ऑल प्रोडक्शन कैटेगरीज एंड ऑल प्रोडक्ट रेंजेस अक्रॉस द होल वीक। ये नहीं कोई स्पेसिफिक डे, ये पूरे हफ्ते ये स्पेशल प्राइसिंग चलाते हैं, विच इज अ रिमार्केबल थिंग। कंपनी के रिस्क क्या है, कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है स्टिफ कॉम्पिटिशन। They have a huge competition within this segment. Not to forget, operating a store is a costly affair because आपको लोग हायर करने होते हैं, आपको मर्चेंडाइज रखना होता है एंड डेफिनेटली देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। अब डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2021 में था 183 करोड़ रुपीज का, जो कि 2023 में हो गया 180 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राधर आई वुड से लॉस था 2021 में 5 करोड़ का और 2023 में 13 करोड़ का प्रॉफिट है। इसकी जो रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ -62 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में 47 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है कंपनी के, कंपनी मोर और लेस लॉस में है अभी। 2023 में दे हैव इंप्रूव्ड देयर नंबर्स बट अदरवाइज द कंपनी इज इन लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन एज आई हैव सजेस्टेड, कि वो इसलिए बिकॉज दे हैव टू मेंटेन अ ह्यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ स्टोर इज अ एक्सपेंसिव अफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का, वन इज टू ऑगमेंट एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड सेकेंडली दे वॉन्ट टू यूज दिस मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें? देखिए, इस आईपीओ के अंदर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आपको 1,24,800 रुपये स्पेयर करने होंगे फॉर इन्वेस्टिंग इन टू दिस आईपीओ। आपके पास 1,24,800 में बहुत सारे अदर ऑप्शन आ जाएंगे, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आपको इतना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए फॉर दिस आईपीओ। एंड यस, मैं ये जरूर मानूंगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 30 रुपए चल रहा है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि आप इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देते रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ स्टॉक्स, SIPs, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर आपने डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।